हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। ये है हमारी फूड सीरीज। लास्ट वीक से जो वीडियोस चैनल पे आ रहे हैं उस पर आपको मिल रहे हैं डिफरेंट फूड ऑप्शंस ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, और आज का वीडियो तो बहुत ही अलग होने वाला है बिकॉज मैं आपको इवनिंग में बच्चों को एक हफ्ते में क्या अलग अलग तरह के सूप्स दे सकते हैं उसके ऑप्शंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सूप्स बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ठंडा है या ठंड पड़ती है या वेदर चेंज जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। वेदर चेंज के टाइम पर भी बच्चों के लिए सूप्स बहुत अच्छे ऑप्शन है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो सूप बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक हफ्ते के 7 दिनों में क्या आप 7 अलग अलग वेराइटी ऑफ सूप्स बच्चों को दे सकते हो। ये सारे सूप्स की जो रेसिपीज हैं ये आपको YouTube पे बहुत सारी मिल जाएंगी। एक सूप की रेसिपी के ही अलग अलग फॉर्म्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपके टेस्ट, आपका लाइफस्टाइल, आपके बच्चे की एज क्या है, आप ये सब जरूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहला डे ऑफ द वीक है मंडे। मंडे के लिए मैंने डाला है टोमेटो सूप। टोमेटो सूप इज़ वेरी यमी, बच्चे इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। इसमें जब आप ब्रेड क्रम डाल दो और क्रीम डाल दो तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है और काफ़ी फिलिंग भी हो जाता है। अगला डे ऑफ द वीक है ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमने रखा है क्रीम ऑफ स्पिनच सूप, बेसिकली पालक का सूप जिसको भी काफ़ी हैवी बना दिया जाता है क्रीम डाल के। तो ग्रीन्स बच्चों को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पालक के बेनिफिट सबको पता ही हैं, बट मैं बेसिकली यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ट्यूसडे को आप कोई ग्रीन सूप बच्चे को दो। अगर आप पालक नहीं देना चाहते तो आप ब्रोकली का सूप ट्राई कर सकते हो, आप मटर का सूप ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी रेसिपी हमारे चैनल पर भी है। सो बट डू समथिंग विद ग्रीन वेजिटेबल्स। अब आ गया है वेंसडे। वेंसडे को आ गया हमारा फेमस चिकन सूप, इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे है। चिकन सूप इज एन ऑल टाइम सेवियर। ठंड का टाइम हो, बच्चे को सर्दी खांसी लगी हुई हो, चिकन सूप से अच्छा रेमेडी आपको नहीं मिलेगा एक अच्छी गर्माहट, एक स्ट्रेंथ बच्चे को देने के लिए। तो चिकन सूप इज अ ऑल टाइम हिट, बच्चों को जनरली पसंद भी आता है। अगर आप चिकन सूप नहीं देते हो बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन, देन यू कैन ऑलवेज डू मशरूम सूप। मशरूम सूप भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसकी भी रेसिपीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। द नेक्स्ट सूप, थर्सडे का दिन है, आ गया है कॉर्न सूप। तो आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे तो स्वीट कॉर्न सूप बचपन से ही पीना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं नॉन वेज स्वीट कॉर्न भी पी लेती हूँ, वेज स्वीट कॉर्न भी पी लेती हूँ। तो आप स्वीट कॉर्न भी बना सकते हो और आप इसे सॉल्टेड फॉर्म में भी बना सकते हो, बट कॉर्न इज ऑल्सो वेरी हेल्दी एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रेन। बच्चे काफ़ी कॉर्न सीधा नहीं खा पाते हैं बिकॉज खाने में उनको कई बार प्रॉब्लम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, तो आप सूप के फॉर्म में बच्चों को कॉर्न ज़रूर दे सकते हो। अब आ गया है फ्राइडे, एंड फ्राइडे के दिन मैंने रखा है मानचाओ सूप। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट मानचाओ सूप काफ़ी फेमस सूप आइटम है। जब आप बाहर भी रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आपको बहुत इजीली ये मिल जाता है। अगर घर पे ही बच्चों को इसे पीने की आदत हो जाए तो बाहर जब आप जाते हो तो भी उनको ये पिलाना या उनको क्या खिलाएं ये आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उनको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको स्पाइस का लेवल जो है वो बिल्कुल कम रखना है, अपने बच्चों की एज उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली ही उन्हें देना है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि सूप जो है वो स्पाइसी ज्यादा नहीं हो तो ही बेटर है बच्चों के लिए। सैटरडे का दिन थोड़ा सा बोरिंग सूप है बट बहुत ही हेल्दी सूप है, और ये है पंपकिन सूप। पंपकिन सूप के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स। अब पंपकिन एक ऐसा वेजिटेबल है जो बच्चे नॉर्मली नहीं खाते हैं, तो उसको कैसे बच्चों को दे ताकि उसके बेनिफिट मिले, तो सूप इज योर आंसर टू दैट। पंपकिन सूप की रेसिपी भी आपको इजिली मिल जाएगी। एंड गाइस, अब आ गया है लास्ट डे विच इज द संडे। संडे का दिन हमने रखा है खरोड़े के सूप के लिए, इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे है। आपने अपने बड़ों से डेफिनेटली सुना होगा कि सर्दियों में खरोड़े का सूप हफ्ते में एक बार जरूर लेना चाहिए, सबको ही लेना चाहिए, बच्चों से लेके बड़ों को। 1.5 से 2 साल से छोटे बच्चों को इसको मत दीजिए, नहीं तो वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, अभी वो इतने स्ट्रांग नहीं होते डाइजेशन स्टैंडपॉइंट से, बट 2 साल से ऊपर को आप आराम से दे सकते हो। बट मेनली सर्दियों का ये सूप है, ये जो सूप है बहुत अच्छी गर्मी देता है बॉडी में जो मेंटेन्ड भी रहती है, अलॉन्ग विद दैट ये बॉडी को इंटरनली रिकवर करने में हेल्प करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं और अंदर से स्ट्रेंथ देता है बॉडी को। देखिए क्या होता है, जब भी हम थोड़ा सा बीमार होते हैं या बहुत ठंड की वजह से लिथार्जिक फील कर रहे होते हैं, रजाई से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी को भी काफ़ी लिथार्जिक कर देती है। तो अंदर से जो चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करें वो हमें स्पेशली लेनी चाहिए विंटर्स के टाइम पर। तो विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर विंटर्स में बच्चों की तबीयत खराब हो गई है तो भी ये बहुत अच्छा है, बट 1 से ज़्यादा बार आप हफ्ते में इसको नहीं दें। बड़े लोग इसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी एज क्या है या उन्हें क्या प्रॉब्लम है, बट खरोड़े का सूप इज अ रियली रियली हेल्दी ऑप्शन वंस आपका बच्चा 2 साल से ऊपर हो चुका है। मैंने
करोड़े का सूप संडे के लिए इसलिए रखा है बिकॉज संडेज को जनरली पापा लोग घर पे होते हैं और पापाज जो हैं ये सूप बहुत अच्छा बनाते हैं, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए संडेज को मम्मी को दो थोड़ा आराम और पापाज को बोलो कि करोड़े का सूप पूरी फैमिली के लिए बनाएं एंड उसको आप इंजॉय करो। सो दैट्स इट, दीज वर द डिफरेंट सूप ऑप्शंस। और भी बहुत सारे सूप ऑप्शंस हैं जैसे कि मिक्स वेजिटेबल सूप, ये भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। क्लियर चिकन सूप आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। दाल का सूप बच्चे पीते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफस्टाइल और आपकी लाइकिंग क्या है आप अपनी भी लिस्ट बना सकते हो, बट इस तरीके से प्लान करो, अकॉर्डिंगली जाके ग्रोसरी शॉपिंग करो और अपना पूरा हफ्ता वॉर्म्थ के साथ एंजॉय करो। सो गाइज, आई होप आपको लास्ट दो हफ्ते में हमारी फूड सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। ब्रेकफास्ट के दो वीडियोज थे, लंच के दो वीडियोज थे और आज ये सूप का वीडियो आ गया। आने वाले दिनों में मैं ट्राई करूंगी कि डिनर से रिलेटेड और बच्चों के टिफिन से रिलेटेड वीडियोज भी शेयर करूँ, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये लास्ट कुछ वीडियोज देखो, इन्हीं से आपको काफी आइडिया डिनर और टिफिन बॉक्सेस के लिए भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू डू योर होमवर्क एंड आई विल डू माइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉमकॉम इंडिया। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल आइकन, डू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स टू सी व्हाट दिस हैप्पी फैमिली डज। थैंक यू, बाय बाय।